दीदी को कौन उठा के ले गया होगा बड़का बाबू? पता नहीं दीदी कहाँ और कैसी होगी। ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है बेटा। बहुत कम लोगों को पता है कि तुम लोग यहाँ रहते हो, फिर ऐसा कौन कर सकता है। हमको तो लगता है कि ये काम ससुरा पुनीत का ही है। ना गणपत बाबू, वो भला ऐसा क्यों करेगा। अरे तो फिर कहाँ गई, जमीन निकल गई कि आसमान खा गया। गणपत, कहाँ है रे नैना? हाँ, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, सबको अदालत में घसीट कर टंगवा देंगे। क्या समझती हूँ अपने आप को? हाँ, चार पैसा का औकात नहीं है और हमको बेवकूफ बनाता है तुम लोग। देखिए मिसर, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। साला फुफा बनता है रे तुम उसका। हाँ, चौराहा पर घसीट के कुत्ते की तरह मारेंगे तुमको हम। पहले उससे तो निपट ले। कहाँ है रे वो? कौन से बिल में छुप के बैठी हो चुहिया? हम लोग तो खुद ही परेशान है, आपको क्या बताए। परेशान है, परेशान तो तुम लोग को हम करेंगे। साला बेवकूफ समझता रहे तुम हमको। इतना बड़ा बड़ा शो ऑर्गेनाइज करते हैं, अपना नुकसान का भरपाई कैसे करते हैं ना, हमको अच्छी तरह से आता है। देखिए मिश्रा जी, हम लोग का दिमाग वैसे ही चकराया हुआ है, और जब तक नैना मिल नहीं जाती है उसके बारे में ये सब बोलना एकदम बेमानी होगा ना। निकाल के तो उसको हम लाएंगे, चाहे वो जहन्नुम में काहे नहीं पहुंच जाए। और उसने जो किया है ना, तुम सबको भुगतना पड़ेगा। साला एक एक को उठवा लेंगे यहां से, और फिर देखते हैं कि तुमको कौन बचाने आता है। बस बहुत हो गया, किसको उठाएगा रे, किसको उठाएगा? अरे उठाने की बात तो दूर, हम लोगों में से किसी को हाथ लगा के देख, मैं खाट पे तुम्हें लिटा दूंगा। चुप क्या हूं कि सिर पर चढ़े जा रहे हो? क्या करोगे नैना, क्या करोगे नैना को? देखो, अगर नैना के बारे में सपने में भी बुरा सोचा ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि सपना देखने के लिए जिंदा भी नहीं रहोगे, समझे? बाप रे बाप। अरे बुढ़ाऊ, तुम्हारा पांव जो है कब्र में लटका है और तुम्हारा खून इतना उबाल मार रहा है। बूढ़ा होने का मतलब ये नहीं कि हमारी हड्डियों में पानी भर गया है। अरे किसी बाप के सामने बच्चों की बुराई करोगे तो उसका खून उबाल मारेगा ही। अगर मेरा खून उबाल मारेगा ना, तो ये एक इशारे पे यहां लाश बीत जाएगी। देखना चाहते हो? ओ रामू, ओ संपत, अरे बलवीर, यहाँ आओ तो जरा, जल्दी आओ। अरे आओ भाई, यहाँ आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ चाचा जी? ये महाशय हमें उठाने आए, जरा समझा दो इनको। ए, निकल जा यहाँ से, न तो एक लाठी देगा तो धूल चढ़ा देंगे। ये जी निकल चलिए यहाँ से, इसमें हमारी भलाई है। अरे मुंह क्या देख रहा है, निकलो यहाँ से। और हाँ, आज के बाद मेरे बच्चों के बारे में न बुरा बोलना और न सुनना, समझ गए? निकलो, निकल जाओ। एक तो हम लोग खुद परेशान हैं,
अरे लोग चले आते हैं माथा खराब कर। पता नहीं मेरी नैना बेटिया कहाँ और किस हाल में होगी। पैसा मेरे साथ हाँ भूख लगी होगी आपको। हम नहीं खाएंगे खाना। और हाँ ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना बहुत ही गलत कर रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। हाँ खाना तो खा लो। अरे मैं नहीं खाना, क्या नहीं समझ रहे हैं? कर हमरा पीछे हाथों कर पड़े हुए हैं। इतना सब कुछ करके आपके दिल को तसल्ली नहीं मिली? अब हमारी जान लेना चाहते हैं आप? खाना खा लीजिए। जानते हैं कि नुकसान हो गया है, लेकिन इसका क्या मतलब है? अरे तो कुर्सी भी टूटा है तो आप फटी से भराइएगा, ये कोई मतलब होता है? अरे हमारा भी नुकसान हुआ है, कितना दिमाग खराब हो रहा है हमारा, हमारा शो कैंसिल हुआ है। कैसा बात कर रहे हैं आप? आपके साथ हमारा एक रिलेशन है। हाँ देखिए, हम अखबार में छपवा के माफी मांग लेंगे हम। हाँ अरे उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, साला जो हमारा साथ ऐसा किया है। छोड़ना भी नहीं चाहिए। अरे हम कह रहे छोड़ना भी नहीं चाहिए। ससुरा लाखों रुपए का नुकसान हुआ हुआ ना, ऊपर तो मार्केट में ऐसी थूथू आ रही कि पूछिए मत, बिल्कुल मत छोड़िए। फोन रखिए, फोन रखिए। तुम तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ रही यहां आने का? हाय हिसाब किया धरा तुम्हारा है, तुम्हारा वजह से हमको इतना नुकसान हुआ है। साला तुम्हारा किडनी और गुर्दा बेच के हम पैसा वसूलेंगे। मिश्रा जी अरे गुस्सा थूकिए, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, हम अपना नुकसान काहे करेंगे बताइए हैं? और वो रहा सवाल वो नैना का, इतनी मुश्किल से तो उसको वापसी के लिए सो मिला था, वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? जरा सोचिए आप, सोचिए। अरे हमको कहाँ मालूम है वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी काहे मारेगी। मिश्रा जी नैना ने कुछ नहीं किया है। अरे सारा का सारा किया दे रहा वो पुंतवा का है। देखिए सबसे पहले उसने आपको धमकी दिया, उसके बाद हमको धमकी दिया, उसके बाद जब कुछ नहीं करते बना तो उसने नैना को अगवा कर लिया। सब कुछ उसने किया, बात को समझ। किसी का कुछ किया धरा नहीं है, ये सब किया धरा तुम्हारा है। अल्लाह हम तुम पर भरोसा करके बैठ गए हैं? कब लथ रहे तुम? हम लेके आएंगे नैना जी को सही सलामत स्टेज तक, यही बोला था ना तुम? स्टेज तक लेके आएंगे। पगला गए थे हम तुम्हारा बात पर भरोसा करके बैठ गए? हमको कहाँ मालूम था कि तुम इतना बड़ा बेकार और नकारा आदमी हो। 24 घंटा का पहरा लगा के रखते नैना के ऊपर, फिर वहां पुनीत परिंदा पर नहीं मार सकता था। देखिए कहा है कि अब पछताने से तो कुछ होगा नहीं मिश्रा जी। देखिए कहा है कि अब हमको जो है पुनीत को ढूंढना पड़ेगा। आपका जितना भी नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई हुई ससुराल कर सकता है। हमको आगे का करना है ना हम अच्छी तरह से जानते हैं। सारा काम बिगाड़ के हमको तुम समझाओ मत कि हम का करें, नहीं तो पुनीत और नैना का गुस्सा ना हम अब ये तुम्हारा ऊपर उतार देंगे, समझे तुम? चलो जाओ यहां से, साला अपना मनहूस शक्ल लेके मत आओ यहां। और सुनो उस बुढ़ऊ को भी जाके बोल देना साला हमको अलटहैद दिखाता है रे, वो उसका भी किडनी बेचेंगे हम। निकलो अब यहां से, अब निकलो यहां से अपना मनहूस शक्ल लेके निकल। अरे निकाल ना। अरे लेकिन साला इन सब का चक्कर में पड़ के हम अपना नाम खराब कर लिए। कनपा तुमको तो हम अच्छी तरह से बताएंगे। We'll be right back.
छोड़ दे बहुत बुरा होगा तेरे साथ, समझा? ये तो हम आपको नहीं फूफा जी, आपकी तो हम वो हालत करेंगे कि सारी जिंदगी याद रखेंगे आप। अगर हमने आपकी जिंदगी नरक से बदतर ना बना दी तो मेरा नाम भी पुनीत नहीं। ये क्या कर रहे हो बेटा? हम तो तुम्हारे फूफा है ना। अच्छा, फूफा है? फूफा है, उसी का लिहाज कर रहे हैं। अगर हम चाहते तो एक झटके में आपको मार देते, लेकिन हम आपको मरते नहीं बल्कि मौत के लिए तड़पता देखना चाहते हैं फूफा जी। आज तक हम जितना तड़पे आपकी साजिशों का शिकार होकर उससे 10 गुना ज्यादा आपको तड़पना होगा। तुम होश में नहीं हो, तुम बैकी बैकी बातें कर रहे हो। होश? होश में तो अब आए हैं हम फूफा जी, अभी तक तो हम बेहोश थे। जो आप लोग सब अपनी मनमानियां करते आ रहे थे चुपचाप बर्दाश्त करता आ रहा था, लेकिन अब हम तैयार हैं इसका जवाब पत्थर से देने के लिए। हमें तो बर्बाद कर दिया ना आप लोगों ने, लेकिन फूफा जी हम अपने साथ आप सबको बर्बाद किए बिना दम नहीं लेंगे। हम तो डूबेंगे लेकिन आप सब हमारे साथ डूबोगे। आप सब बेटा, हम तुम्हारी बुआ के पति हैं, हैं? अच्छा, कैसी बुआ? कौन बुआ? किसकी बुआ? हमारी नजर में वो सिर्फ आपकी पत्नी है, हमारे सबसे बड़े दुश्मन गणपत की पत्नी। दुश्मन की पत्नी के साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो दुश्मन के साथ हो। यही कारण हमने उसे भी अपना बंधक बना लिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? जो आप सुन रहे हैं, पत्नी से अलग रहने में कितनी बेचैनी होती है, उससे दूर रहने में कितनी तड़प होती है, इसका एहसास आपको होना चाहिए। इसलिए हमने आपकी पत्नी को बंधक बना लिया और आप दोनों को इतना तड़ पाएंगे, इतना तड़ पाएंगे कि सारी जिंदगी आप लोगों को एहसास हो जाएगा। देखो बेटा, ऐसा मत करो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते पांव पड़ते हैं। अपनी बुआ को छोड़ दो, हाँ तुम जो कहोगे हम करेंगे, जो कहोगे। अच्छा, माफ कर दें आपको, आपको माफी मांगनी चाहिए नैना से, क्योंकि आप सबसे बड़े गुनहगार नैना के हैं। रही बात हमारी, तो हम आपको सारी जिंदगी माफ नहीं करने वाले। शायद नैना आप पर तरस खा के आपको माफ कर दे, लेकिन हम नहीं। ठीक है बेटा, हमें नैना के पास ले चलो। तुम जो बोलोगे हम बोलेंगे, हम वही बोलेंगे जो तुम कहोगे। आप नैना को जाके सारी सच्चाई बताइए कि आपने उसकी नजरों में हमें कैसे गिराया, या आप अपनी पत्नी की चीख सुनने के लिए तैयार हो? नहीं नहीं नहीं, सुनाओ। नहीं नहीं, देखो मैं हम उसकी चीख नहीं सुन पाएंगे। हमें माफ कर दो, तुम जो कहोगे हम करेंगे। तो नैना के पास चलकर अपने सारे गुनाह कबूल कीजिए। ठीक है, हमें अभी ले चलो नैना के सामने, हम सारी सच्चाई उगल देंगे, सब। लेकिन अपनी बुआ को छोड़ दो बेटा। छोड़ देंगे फूफा जी, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले आप चलकर सारी सच्चाई बताइए नैना को कि कैसे आपने उसके मन में हमारे खिलाफ जहर भरा है। सब कुछ करने के बावजूद भी शायद उनके मन को तसल्ली नहीं मिली होगी, इसीलिए इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं हमारे साथ। नहीं बेटा, वो पुनीत ने कुछ नहीं किया है, वो तो आज भी तुम्हारा सबसे बड़ा हमदर्द है।
आप क्या कर रहे हैं फूफा जी? हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं बेटा। वो पहले भी तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहता था और आज भी तुम्हें अपनी जान से ही ज्यादा चाहता है। नैना को पुनीत की हकीकत पता चलने के बाद उसे आत्मग्लानी हुई। उसने पुनीत से माफी मांगी और दोनों खुशी पूर्वक साथ साथ जीवन व्यतीत करने लगे।